जय श्रीम दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो ये है मेरा एपिसोड नंबर 2। तो अभी अभी मैं सो के उठाऊँ तो अभी हम फ्रेश होके सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, और इसके बाद निकलना है हमने गोरेगांव, जहाँ पे हमारा एक्सपो है IHFF शेरू क्लासिक एट द रेट एमेच्योर ओलंपिया, और जहाँ पे हमारा वेइंग वगैरह होना है और बैंड्स वगैरह मिलेंगे, एंट्रीज होगी। तो उससे पहले थोड़ा मैं फ्रेश हो लेता हूँ और आपको सीधा मिलता हूँ ब्रेकफास्ट पे, और हम सीधा निकलेंगे गोरेगांव जो कि है यहाँ से कम 1 घंटे की दूरी पे। लेट्स गो। ब्रेकफास्ट में खाया हमने सेवैया उपमा, जो कि मैंने पहली बार खाया और काफी ज्यादा हेल्दी होता है। तो हम निकल गए हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, गोरेगांव बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर। तो भाई साहब हमारे को लेने हैं, कैब किया और ये दोनों बिल्कुल रेडी है, तो एक्साइटेड है दोनों ही जाने के लिए, और मैं भी। देख सकते हैं एक्सपो में आज यहाँ पे कितने ज्यादा भीड़ है ब्रेकफास्ट में ही। आज यहाँ पे सभी की रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो किसी तरह का एथलीट है, बॉडी बिल्डर है, पावर लिफ्टिंग में खेल रहा है, स्ट्रॉन्गमैन में खेल रहा है, तो उन सब की आज यहाँ पे वेइंग होगी और रजिस्ट्रेशन होगी और बैंड्स मिलेंगे जो कि एंट्री के लिए होते हैं। तो ये है हमारे नेशनल जज जज अनिरुद्ध भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। और रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट में। तो फिर मैंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और फॉर्म भरा, और उसके बाद किया अपना वेट जो कि आया 85 kgs। हमारे बैंड मिल गए और हमने की एंट्री। तो हमने देखा कि चेकआउट करते हैं कि आज अंदर से एक्सपो कैसा लग रहा है। हालांकि दिल्ली में भी पूरा सेम इसी तरह का था, बट हर जगह की अपनी अपनी वाइब्स होती है, और यहाँ पे भी कुछ अलग वाइब थी और काफ़ी अच्छा वेदर था अंदर का, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, कुछ नए लोगों से इंटरेक्शन हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह की यहाँ पर आपको जिम से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। जिम के इक्विपमेंट्स हो, सप्लीमेंट्स हो, और कपड़े हो, क्लोथिंग हो, हर तरह की आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे एथलीट्स पहुँचे हैं इनके स्टॉल से। तो यहाँ भी एक इवेंट चले कि हर साल में यहाँ पे कुछ ना कुछ चला ही होता है, यहाँ भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चला होगा। कुछ भी फिटनेस रिलेटेड आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो क्लोथिंग हो, जिम इक्विपमेंट्स हो,
सो हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी एक्सपो में, बहुत ही बड़ा एरिया है। कैसा लग रहा है तुम्हारा घूमते हुए? शो बॉडी बिल्डर्स का आप लोग देख सकते हैं स्टेज। थैंक यू IHF शेड क्लासिक टू विनिंग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स टू स्टैंड एंड डिलीवर फ्यू वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल अस। आल्सो आवर ओनर चेयरमैन फिटिंग है, यूज है, ब्लैको है, मैट्रिक्स ग्रुप है, KFS है, जितने भी सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं सबका IHF में जैसे कि आप लोगों ने देखा कितने सारे यहाँ बैंड्स लगे, तो आप किसी भी बैंड की मशीन की अगर आप जिम इक्विपमेंट है तो जिम इक्विपमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। किसी भी बैंड का यहाँ प्रोटीन है तो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो काफी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, अभी तक हम पूरा ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं। तो तुम्हारा क्या कहना है, पहली बार आई हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ, और ये कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और हर्षिता तो हमारी दिल्ली पहली भी थी, एक्सपीरियंस है और इनको पहले भी आ चुके हैं, और अभी हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं आगे का प्लान क्या बनता है। क्योंकि हमारा जो वेइंग और जो हमारा एंट्रीज वगैरह है वो हो गई है, तो इसके बाद का जो भी आगे का होगा वो आप लोगों को बताऊंगा। तब तक हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो फाइनली मुझे जगह मिल गई जहाँ पे हमारा होगा स्ट्रॉन्ग मैन का कंपटीशन। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग मैन की सभी चीज़ें पहुँच चुकी हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया, जो यहाँ पे लॉग रखा है तो मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ का वेदर, तो अब सोचते हैं हम बाहर निकलते हैं और कहीं थोड़ा सा घूमना फिरना कर लेते हैं। तो ये था अंदर का माहौल, आप लोगों ने देखा किस तरह से था वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें थी, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होते हैं जब ऐसी जगहों पे आते हैं। और तो अब हम यहाँ पे वापस आएंगे कल, अभी कुछ खाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे पास में कुछ घूमने की जगह होगी तो वहाँ पे जाते हैं। तो बने रहे वीडियो में, मिलते हैं आपको। कृष्ण रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना यहाँ पे मिल गया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कभी मुंबई आओ तो। खाना खाने के बाद हम निकल गए, यहीं पास में 15 मिनट की दूरी पे था फिल्म सिटी, दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी। तो अब जा रहे फिल्म सिटी, तो हमने टिकट्स ले ली है, तो हमारी जो बसेज आती है यहाँ से तो वो 3 बजे के करीब जाएगी। लगभग हमारे को 45 मिनट वेट करना पड़ेगा और 3 घंटे अंदर हमको घूमने के लिए मिलेंगे। तो थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा फिल्म सिटी का नज़ारा। तो मिलते हैं आपको, स्टे ट्यून्ड। तो आप लोगों को बता दूं, जब भी कहीं फिल्म सिटी जाते हैं तो साथ में सभी लोगों को जो बस में एक गाइड होता है और वो बताते हैं कि ये सेट्स इनके हैं या फिर यहाँ पे ऐसी शूटिंग हो गई है, यहाँ पे इन फिल्मों की शूटिंग हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के सीरियल्स के यहाँ पे सेट्स हैं, यहाँ पे बिग बॉस का सेट भी है, और ये भी एक सेलिब्रिटी है जिनका एक शो आता था स्टार प्लस पे, आई डोंट नो, बट ये आप देख सकते हैं। और गाइड हमारे बाबा गाइड कर रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पे बागान मूवी की शूटिंग हुई है इस जगह पे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं इस बार की आप लोगों को, मैं जब मुंबई, मैं खुद भी पहली बार आया तो आप लोगों को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस बहाने कि मैं आया हूँ कॉम्पिटिशन के लिए और आप लोगों को भी साथ में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर आप लोगों ने अक्सर हर मूवी और हर सीरियल में आपने जरूर देखा होगा। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ मंदिर तो स्टेबल रहता है बट यहाँ की जो मूर्ति है वो स्टेबल नहीं रहती है। तो उसके बाद हम गए फिल्म सिटी इंडोर, अभी हमने आउटडोर दिखाया था, ये है फिल्म सिटी का इंडोर, और इंडोर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, कलरफुल था, आप लोग देख सकते हैं। तो बाहुबली की मूवी की शूटिंग भी इसी सेट के अंदर हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मिल गए यहाँ पे PK बाबू और जादू MS धोनी जी,
अमिताभ बच्चन जी करोड़पति खेलते हुए उनके दर्शन भी हुए और इस तरह से आप लोग देखते थे ये वैक्स म्यूजिक है बॉलीवुड का। तो इसके बाद गए हम ग्रीन रूम, जैसा कि आप लोगों को बताइए कभी कोई मूवी की शूटिंग होती है तो किस तरह से होती है, किस तरह से बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, तो उन्होंने हमने बताया। तो आप देखते क्रिश जो मूवी थी उसका बैकग्राउंड भी इस तरह से चेंज किया गया, किस तरह से वो फ्लाई करते थे, ये सारी चीज़ें हमने तो बताई वहाँ पर। फिर उसके बाद गए हम लाइव थिएटर में जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस चली, आप लोग देख सकते हैं। सिटी बॉलीवुड पार्क से निकलने के बाद अब पास में ही एक मॉल था, ओबेरॉय मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल है, तो सोचा यहाँ से जाते जाते कुछ देख ले अपने लिए, कुछ शॉपिंग कर ले अगर कुछ अच्छा सा मिलता है तो। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर कैसा है मॉल, लेट्स गो। काफी ज्यादा सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। मॉल से निकलने के बाद हम आए एक और छोटी सी मार्केट और वहाँ पे मैं एंजॉय कर रहा था बादाम शेक, क्योंकि कल के लिए भी एनर्जी चाहिए थी, कल हमारा कॉम्पिटिशन है। फिर उसके बाद गए हम डिनर करने और डिनर करने के बाद सीधा निकल गए हम वापस चेंबूर। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो कल है अब हमारा मेन डे और कल और परसों, क्योंकि हमारे कंपटीशन है कल और परसों। आई होप कि मैं इस बार भी मेडल जीत के जाऊं और अपना शिमला और अपने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करके जाऊं यहां से भी और जीत के जाऊं। बस यही है मेरे उसमें मन में कि मैं जीत के जाऊं, मेहनत तो की है बट अब देखते हैं कल कितना कंपटीशन मेरे लिए होता है यहां पे। तो तब तक के लिए ओवर एंड आउट, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें ताकि आपका भाई बूस्टअप रहे और नई नई वीडियो आप लोगों के बीच लाए। तो जल्द मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, टेक केयर।